हेलो स्टूडेंट, मैं विनीत कुमार। आज मैकेनिकल एस्टीमेशन एंड कॉस्टिंग में आज एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कॉस्ट एस्टीमेशन। कॉस्ट एस्टीमेशन का मेन पर्पस क्या है? कॉस्ट एस्टीमेशन हम इसलिए निकालते हैं ताकि जब भी हम कोई अगर कोई भी फर्म हम स्टार्टअप कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में जो भी हमारा इनपुट लग रहा है उसको एनालाइज करके उसकी कॉस्ट को एस्टिमेट लगा के और प्लस प्रॉफिट को कंसीडर करके हम जो भी अपना प्रोडक्ट की या जो भी सर्विस है, सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, उसके जो भी हम प्राइस सेट करते हैं, दैट इज प्रोसेस नोन एज कॉस्ट एस्टिमेशन। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन हमारी कॉस्ट एस्टिमेशन की होगी, कॉस्ट एस्टिमेटिंग मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस डिटरमाइनिंग द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बिफोर द स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग। दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग की स्टार्टिंग से पहले ही जो भी प्रोबेबल कॉस्ट होगी उसको डिटरमाइन करने के प्रोसेस को हम कॉस्ट एस्टिमेशन बोलते हैं। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं कि देखें हम कि अगर ये जो हमारे फॉरकास्टिंग होती है फ्यूचर कॉस्ट की, कॉस्ट एस्टिमेशन हमारे एक जो भी हर एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उनकी पूरी प्लानिंग, उनकी प्रोसेस प्लानिंग को पूरा प्रोमिनेंट करेगी। ये बड़ी बड़ी हाई टेक नॉलेज इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमें उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना एस्टिमेशन लगेगा, कितनी कॉस्टिंग लगेगी, मैन्युफैक्चरिंग में कितना लगेगा, डिजाइनिंग में कितना लगेगा, ये सब सारा हमको कंसिडर करना पड़ता है, प्लस लेबर चार्ज, प्लस ड्रॉ मटेरियल चार्ज, कॉस्ट क्या होगी, ये सब हमको एस्टिमेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें दैट मीन्स इसके लिए हमें हाई टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कॉस्ट एस्टिमेटिंग के, अगर हम देखें कि कॉस्ट एस्टिमेटिंग में देखेंगे ओनली एक्यूरेट एस्टिमेटिंग कैन बी एनेबल टू लीडर्स टू मेक वाइटल डिसीजन सच एज मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग पॉलिसीज एटसेट्रा। दैट मीन्स कि अगर जो केवल एक्यूरेट एस्टिमेशन ही हमको पता लगे हमारे भाई मैन्युफैक्चरिंग करनी है किस तरीके से करनी है, उसके मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि अगर हमारा जॉब हमारा ओवर एस्टिमेटेड जा रहा है तो समझ जाओ कि हमारी फर्म एबल नहीं जो है कि जो हमारे कंपिटिटर हैं उनको कम्पीट करने में के काबिल ही नहीं है। और अगर हमारे जॉब अंडर एस्टिमेटेड जा रही है तो समझ जाओ कि हमको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस होने वाला है। दैट मीन्स कि हमारा एस्टिमेशन तो बहुत हाई जा रहा है लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे तो हमको फाइनेंशियल लॉस होने वाला है। तो इस तरीके से हम इन केसेस के अकॉर्डिंग हम ये सब स्टडी कर सकते हैं। अब एम क्या क्या है कॉस्ट एस्टिमेशन के, तो हम देखें कि सबसे ज्यादा एम तो ये है कि हम अपने प्रोडक्ट की सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई हमें कोई भी चीज कितने में बनानी है। दूसरी बात उसके बाद क्या कि जो भी इकोनॉमिकल, मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोसेस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई किस काम को अगर हम करें तो हमें यहाँ पैसा बच जाएगा, यहाँ मनी हमारे इन जो हमारे इनपुट होगा वो बच जाएगा। दूसरा एक जो हमारा प्रोडक्शन बजट होता है वो प्रिपेयर होता है। तीसरा हमारा जो अल्टरनेट डिजाइन होती हैं उनको भी हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को इस सिंपल से सिंपल डिजाइन में कर सकते हैं तो कि जो कि कस्टमर को भी काफी पसंद आए तो उसके अकॉर्डिंग हम एवेलेट कर सकते हैं। और जो कॉस्ट जो के लिए हम जो जो भी फैसिलिटीज हैं, जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं जो हमारी, जिसकी वजह से हमारी कॉस्टिंग बढ़ रही होगी तो हम उनको भी रिड्यूस कर सकते हैं। ये सब हमारे एम होते हैं, इसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है, इसलिए हम एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी मैन्युफैक्चरिंग या फिर किसी भी सर्विस में। एस्टिमेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं? एस्टिमेशन देखो अगर हम देखें तो एस्टिमेशन कहाँ कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो मैन्युफैक्चरिंग बेसिस बेस्ड कंपनीज होती हैं उनके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस करने के लिए। दूसरा हमारा हो गया कि कॉन्ट्रैक्टर जो टेंडर कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड कंपनी होती हैं उनके टेंडर को सबमिट करने के लिए एक्यूरेटली कि इतने का हमारा टेंडर पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग सबमिट करेंगे तो उसके एस्टिमेशन के में काफ़ी यूज़ होता है। तीसरा जो हमारा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट होते हैं उसकी प्रोसेस की फोरकास्टिंग के लिए ये एस्टिमेशन हम यूज़ करते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जॉब एस्टिमेशन के लिए, कि दैट मीन्स हम एस्टिमेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स पर फोकस देते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पर फोकस देते हैं? तो सबसे पहले डिज़ाइन कॉस्ट कि जो हम प्रोडक्ट तैयार करेंगे उसकी डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन कैसी होगी, उसकी डिजाइनिंग करने में कितना टाइम लगेगा, कौन सी कितनी लेबर लगेगी, तो ये सब सबसे पहले हम डिज़ाइन कॉस्ट की बात करेंगे। उसके बाद ड्राफ्टिंग कॉस्ट, उसके बाद R&D कॉस्ट क्योंकि रिसर्च डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, उसके बाद मटेरियल क्या लगेगा हमारा उसमें,
और फिर उसको बनाने में लेबर कॉस्ट, उसके बाद इंस्पेक्शन कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट हमारे जो होंगे टूल्स, जिग्स एंड फिक्सर, एक्स्ट्रा जो मशीनरी हम यूज करेंगे, एंड लास्ट में जो हमारा मेन कंपोनेंट होता है ओवरहेड कॉस्ट, जिसमें कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिप कॉस्ट एंड एक्स्ट्रा खर्चा होते हैं जो कि सेलिंग वगैरह में, एडवर्टाइजिंग में खर्च होते हैं, ये हमारे ओवरहेड कॉस्टिंग के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिजाइनिंग कॉस्ट, तो जैसा कि हम जानते हैं डिजाइनिंग कॉस्ट नाम से पता पड़ता है कि कोई भी प्रोडक्ट की डिजाइन करने में जितना भी एस्टिमेट एक्सपेक्टेड टाइम प्लस जो मनी जो और लेबर लग रही है दैट इज कॉल्ड डिजाइन कॉस्ट। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट, डिजाइन कॉस्ट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड डिजाइन टाइम इंटू सैलरी ऑफ डिजाइनर पर यूनिट टाइम। ये मतलब एक डिजाइनर इतने टाइम में कितने रुपए लेगा और उसको टाइम करने लगाने में कितने आवर्स लग रहे हैं, पर आवरली कितना टाइम लेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो कॉस्ट हमारी निकल गया कि दैट इज कॉल्ड डिजाइन कॉस्ट। अब वो डिजाइन हम चाहे किसी आउटसाइड एजेंसी से कराएं, किसी वर्कर से कराएं, कुल मिला के वो एक पर्टिकुलर टाइम में उसको और एक लगेगा और पर्टिकुलर से आदमी लगेंगे, तो उनके दोनों की जो मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड डिजाइन कॉस्ट। सेकेंड कंपोनेंट था हमारा ड्राफ्टिंग कॉस्ट। ड्राफ्टिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड ड्राफ्ट टाइम इंटू सैलरी ऑफ ड्राफ्ट्समैन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे अगर हम पर आवर्स की बात करें या पर डे की बात करें, पर जनरली हम पर आवर्स में बात करते हैं, टाइम को हम कंसिडर करते हैं पर आवर्स में, तो ड्राफ्टमैन कितने आवर्स में उसको कंप्लीट कर रहा है, कितने आवर्स का चार्ज दे रहा है, प्लस कितने आवर्स में उसको कंप्लीट कर रहा है, अगर दोनों की मल्टीप्लाई करें तो हमको ड्राफ्टिंग कॉस्ट मिल जाएगी कि डिजाइन के। थर्ड है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो रिसर्च एंड डेवलप के कॉस्ट में हम जो हमें जो डेवलपमेंट वर्क में है या रिसर्च वर्क में जो मनी खर्च हो रही है, टाइम और मनी खर्च हो रही है, इसमें हम उसको कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो चुका है, डिजाइन भी हम सोच चुके हैं, ड्राफ्टिंग भी हो चुकी है, तो उसके बाद हमें चूज करना है मटेरियल की मटेरियल कौन सा है। अब मटेरियल के लिए जो हम मटेरियल परचेज करेंगे तो कितना मटेरियल उसके लिए हमको चाहिए, और पर वेट के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड फ्यूचर प्राइस होगा उसका, कि सपोज दैट कि अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके लिए कॉन्क्रीट कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, ईंट कितने रहेंगे, तो ये सब उस कितना हमें लगेगा और उसका रेट क्या होगा जिस टाइम हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे, तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो निकल के आएगा वो हमारा मटेरियल कॉस्ट होगा। मैटर कॉस्ट के बाद जो हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है दैट लेबर कॉस्ट हम कंसीडर करते हैं। लेबर कॉस्ट, यू नो वेरी वेल दैट कि एस्टिमेट जितनी भी हमारी लेबर लग रही है और वो लेबर का मैटर को बनाने के लिए जितनी भी हमारी लेबर लग रही है, पर नीडेड टाइम, हम टाइम के अकॉर्डिंग बात करते हैं, और लेबर कितने पर आवर का चार्ज लेती है एवरेजन। कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ 300 वर्कर्स काम कर रहे हैं और उनका पर हर किसी का चार्ज अगर सपोज दैट कि 100 रुपीज़ पर आवर है, या फिर हम बात करें कि 50 रुपीज़ पर आवर है, तो मतलब 50 रुपीज़ पर आवर के अगर हम 300 वर्कर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि भाई चलो एक आवर का इतना चार्ज लग जाएगा, फिर हम देखेंगे कितने आवर्स तक हमारा काम चलेगा, कितने घंटों तक हमारा काम चलेगा, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट भी निकाल देंगे। नेक्स्ट जो हमारा मेटेरियल बनके तैयार हो जाएगा, सॉरी प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम इंस्पेक्शन करते हैं। तो इंस्पेक्शन में जो भी हमारा टाइम लग रहा होता है, इक्विपमेंट्स लग रहे होते हैं, जो गेजेस लग रहे होते हैं, जो वेजेस लग रहे होते हैं, और इंस्पेक्टर गेजेस लग रहे होते हैं, और इंस्पेक्टर जो भी इंस्पेक्टर होता है उसका जो वेज होता है, जो भी चार्ज होता है, ये सब उसमें कंसिडर किया जाता है। तो ये बहुत, इसका कोई खास फॉर्मूला नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है कि जो भी हमारे इक्विपमेंट लग रहे हैं और गेजेस लग रहे हैं उनका चार्ज प्लस हमारा इंस्पेक्टर का वेजेस। नेक्स्ट हमारा जो आता है कॉस्ट ऑफ टूल, जिग्स एंड फिक्सर एक्स्ट्रा, क्योंकि जो हम मशीनिंग मशीन भी यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के दौरान, जिग्स एंड फिक्सर भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब हम कंसीडर करते हैं कि उनमें कितना चार्ज लग रहा है। अभी बात ये है कि हम ये जैसे एक मशीन हमारा बल्क में प्रोडक्शन करती है, तो इसके लिए हम पर यूनिट प्रोड्यूस कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस निकालते हैं, कि उसके लिए हमें क्या होता है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट प्लस नंबर ऑफ जॉब, यानी कि टोटल एस्टिमेटेड जॉब निकाल के जो हमें कितने जॉब्स हमने निकाले हैं उसका अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा टोटल कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस निकलाएगा। एंड फाइनली हमारा जो लास्ट कॉस्टिंग होती है, एस्टिमेशन होता है, वो हमारा होता है ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट जो हमारा होता है कि जितने भी हमारे डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे ओवरहेड कॉस्टेड होते हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये जो तुम्हारे हमारे इनके अलग अलग रेफर्स होते हैं निकालने के, जो हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस इज इक्वल टू एस्टिमेटेड कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ जॉब्स। कॉस्ट एस्टिमेटिंग का हमारा प्रोसीजर क्या है, नंबर फर्स्ट हम क्या करते हैं,
पहले तो पूरे जो सिस्टम मैकेनिज्म होती है इसके, जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है उसको स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद एनालाइज करते हैं कि हमें कौन कौन से जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन और उसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद हम एक लिस्ट तैयार करते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स एंड कौन कौन से मटेरियल्स हमको रिक्वायरमेंट होंगे, उनके बिल वगैरह हम प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम जो रॉ मटेरियल हमको खरीदना है उसके उसको परचेज करने के जो डिसीजन के अकॉर्डिंग हम उनके अलग अलग लिस्ट के अकॉर्डिंग एस्टीमेट करते हैं, और जो एस्टीमेट मटेरियल कॉस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग हम जो है मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो हमने आउटसाइड से जो भी पार्ट्स खरीदे हैं या मटेरियल खरीदा है उसके हम कॉस्ट निकालते हैं, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जो भी हमारा एस्टिमेशन होता है उसकी कॉस्टिंग निकालते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम मशीनिंग टाइम निकालते हैं कि कोई मशीन कितनी देर में हमारा एक प्रोडक्ट को तैयार कर रही है। उसके बाद हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बाद हम प्राइम कॉस्ट तैयार करेंगे। प्राइम कॉस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज हो रखे हैं, प्लस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इन जितने भी हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो हमारे निकलते हैं उन सबका एडिशन करते हैं तो हमें प्राइम कॉस्ट मिल जाती है। प्राइम कॉस्ट निकाल हम फैक्ट्री ओवरहेड निकालते हैं, और जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो इनडायरेक्टली खर्चे होते हैं, उनको हम कंसीडर करते हैं। जैसे कि मान के चलो कुछ बियर एंड टीयर्स आ गए, मशीनरी टूल्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो उन खर्चों को भी कंसीडर करते हैं और उनको फिर उसमें ऐड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है उसको भी हम एस्टिमेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इन सारे जितने भी हमारे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी, और इंक्लूडिंग पैकिंग आल्सो, जो भी पैकिंग और डिलीवरी चार्ज और एडवर्टाइजिंग चार्जेस के बाद जितने भी हमारे खर्चे जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं, उनको हम एक्सपेंडिचर और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में कंसिडर कर देते हैं, और ना हम पूरी की पूरे टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट, जिसमें हमने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकाले थे, तो हमारी प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड जो हमारा निकल के आया, और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आया है, और प्लस उसके हमारे जो लास्ट स्टेप में हमारा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हुए हैं, सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल आएगी। प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कंसिडर करेंगे कि हमें पर प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट हमको चाहिए। उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम जो हमारा टोटल कॉस्ट आया है प्लस प्रॉफिट और प्लस अदर टैक्सेस वगैरह भी हम कंसीडर करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम सेलिंग प्राइस कंसीडर कर लेते हैं, और फाइनली हम एक जो सेल डिपार्टमेंट को हम एक एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट का कितना सेलिंग प्राइस होगा। ये सब एलिमेंट्स के एस्टिमेटिंग के बाद हम सारा पूरा एस्टिमेटेड डाटा जो है वो एस्टिमेट फॉर्म में कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा रहा एस्टिमेशन का सिस्टम, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस्टिंग के बारे में। तो थैंक यू।